अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग बहुत खास है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत अहम, जो सबके लिए सुनना और जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें मेरी वीडियो को और बस देखते रहें। तो यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ, शाम का टाइम है तो मैं बना रही हूँ पोहा। तो अमन की फरमाइश थी, मम्मी पोहा बनाओ, भूख लग रही है, तो बस मैं सो गई थी। पता है मैं आज बहुत टाइम के बाद सोई, बच्चों लोग को लेकर स्कूल से आए, खाना ना खाई और मैं सो गई, एकदम थक गई थी तो मैं सो गई। और 2 घंटा बाद उठी मैं, शाम में हड़बड़ा के उठी, तो मुझे ऐसा लग रहा था नींद में कि मैं सुबह बच्चों का स्कूल लेट हो गया, कैसा लगा मुझे। फिर देखी तो 4 बज रहे थे। फिर मैं नमाज़ पढ़ी, अशर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चों के लिए, अमन को लगी थी भूख, तो मैं सोची क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे पोहा भिगा के ना मैं चलो पोहा ही बना देती हूँ। शाम में सो के उठो ना तो बच्चों को भूख लग जाती है, और मैं भी थोड़ा सा सोची चलो बना ही देते हैं, क्या बनाओ सोचने में तो बहुत टाइम लग जाता है, आसाम बनाओ फिर आता खाना बनाओ ऐसे करके। और फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पोहा बना रही हूँ। अब पोहा अच्छा भी लगता है, पहले एक्चुअली में ना मुझे पोहा पसंद नहीं आता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मैं काफ़ी टाइम तक पोहा नहीं खाता। अभी मैं समझो साल भर से मैं पोहा खा रही हूँ, 1.5 साल से ना मैं पोहा खा रही हूँ रेगुलर, मतलब जब भी बनता बहुत, अब मैं बहुत टेस्टी पोहा बनाती हूँ। ऐसे पोहा यहाँ का फेमस डिश ऐसा लगता है मुझे पोहा है। पोहा यहाँ नाश्ते में हर कोई खाते हैं, बाहर ठेले पे मिल जाएगा आपको इजीली, और बहुत अच्छा लगता है, बाहर का भी पोहा ना बहुत टेस्टी लगता है। और मैं भी कॉपी उसी टाइप का करके ना अपने हिसाब से बनाती, तो खैर बहुत अच्छा बनता, सबको पसंद आता है। और उसमें अच्छे से फली वली डाल दो, फली तो था नहीं, फली को स्किप कर दी मैं, मटर था तो आलू मटर डाल के मैं बनाई। अब थोड़ा अलग से अच्छे से बनाओ ना, तो कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से बनाएंगे ना, तो वो अगर नई भी खाने वाली चीज़ों की जो आपको पसंद भी नहीं होगा ना, वो भी आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ मैं समझी हूँ, मुझे समझ में आ जाता बहुत कुछ, कि मैं पहले बहुत कुछ नहीं खाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ना जब मैं उस चीज़ को अपने हाथों से इतने अच्छे से बनाती हूँ ना, अपने तरीके से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कई सारी चीज़ें आप यकीन नहीं करोगे, मैं नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। पोहा से भी मुझे बहुत चिढ़ था, पता नहीं क्यों मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब बहुत और हेल्दी फूड है ये भी, खा सकते हैं पोहा बच्चों के लिए। मैं कभी कभी हफ्ते में एक दिन टिफिन में ही बच्चों को दे देती हूँ, ऐसे तो रोटी सब्जी रोज़ खा खा के इन लोग बोर हो जाते हैं। कभी हफ्ते में एक दिन पास्ता बोलते हैं या पोहा बोलते हैं, या कभी अलग अलग लोग का थोड़ा कभी फरमाइश रहता, तो कभी काल मैं हफ्ते में एक आख मरतबा इन लोग की फरमाइश करती हूँ, बाकी नहीं, बाकी तो मैं अपने हिसाब से रोटी सब्जी, क्योंकि रोटी सब्जी खाने की आदत होती है बच्चों को, तो खिलाना चाहिए। हाँ, अमन को बहुत तेज़ों की भूख लगी थी एकदम जोर की, और मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मम्मी जल्दी बनाओ ना जल्दी बनाओ ना, तो मैं बनाई। और बर्तन बहुत ज़्यादा गुनगुन को चिल्ला चिल्ला के मैं थकी। और एक्चुअल में ये ना भाई आए हुए, एक नल वल ख़राब था, प्लम्बर भैया को बुलाए थे, वो पहचान के ये देवर लगेंगे मेरे, वो आए थे, वो काम कर रहे थे, तो उनको भी पानी और पोहा दे दी चलो, और चाय बना के दे दी थी उनको भी। उसके बाद फिर घर का काम तो इतना रहता, किचन तो मैं मुझे ऐसा लगता ना, किचन बोलता ना तुम किचन से निकलो ही मत, किचन में ही सिर्फ रहो, मुझे काम इतना दिमाग में भी ना, मैं बेडरूम में जाती हूँ ना तो मुझे किचन का ध्यान आता है, किचन में ये काम बचा है वो काम बचा है, कई सारे काम पेंडिंग रहते हैं, कुछ सब्जी ला दो रख दो तो वो वैसे रहता है, तो उसको सुधारना पड़ता है। फिर बच्चों को दूध बना के दी उन लोग को, फिर बहुत डाइट का ध्यान देना पड़ता है, मुझे ट्विंस है ना तो मुझे बहुत केयर करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता मैं कर नहीं पाती जितना करना चाहिए था उन लोग के लिए। खैर माशाल्लाह से वो देखते देखते 10 साल के हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और बस मुझे और भी केयर करनी चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए, बट अपने ही इतना डिस्टर्ब रहती हूँ, परेशान रहती हूँ ना, तो मैं लोगों की डाइट पे ना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो बस बच्चे हैं इसी तरह, बस मुझे भी भूख लगा ना तो मैं भी थोड़ा सा खा ली, टेस्ट कर ली, थोड़ा अच्छा बना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। अल्लाह आप सबको ऐसे ही अच्छा रखे, हम सबको ऐसे ही अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। तो आज की जो बात मैं बताने वाली हूँ आप सबको, जो इस टॉपिक पर बात करनी, उस टॉपिक को सुन के ही या किसी के बारे किसी का सुनते ना ऐसा, तो हमारा दिल एकदम दहल जाता है, कितना भी कैसा ही मुसलमान होगा ना वो, उसको बहुत ही ख़राब लगता है ये चीज़ सुन करके। तो ये मैं जो बताने वाली हूँ आप सबको, कि ये भगवा लग ट्रिप जो चल रहा है आजकल, जो चल रहा है ये जाल है एक तरह से, मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमान की बच्ची को फंसा करके उसे अपना, उसको फंसा करके मतलब उसको बदनाम करना, उसके मतलब धर्म को, और इसमें बच्चियां फंस जा रही हैं। बच्चियां फंस इसलिए भी जा रही है ना कि ये गलती हमारी है, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन हम दुनिया की बहुत देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर सब चीज़ में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो ज़रूरी है दुनिया के लिए वो हम दे रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो देना ही चाहिए हमें, वो एकदम कंपलसरी मतलब किसी भी हाल में, यानी हो हमें उस वो तालीम अपने बच्चों को देना ही चाहिए, लेकिन हम उससे ही दूर हो जाते हैं। अब उस अगर सोचते दिन का तालीम देंगे दुनिया का तालीम रुक जाएगा, उसका साल ख़राब हो जाएगा, क्लास फिर कैसे आगे बढ़ेंगी, ये सब चक्कर में हम अपने बच्चों को ना, हमारी गलती है, पेरेंट्स की गलती होती है जो बच्चे ऐसा कर लेते हैं ना, शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी होती है,
अगर हम अच्छी तालीम दें बच्चों को, बचपन से ही समझाएं बच्चों को, अपने नबी की सुन्नत बताएं, अल्लाह से मोहब्बत बताएं, अल्लाह रसूल का जो है ये दुनिया जो तालीम जो है वो हम दें अपने बच्चों को ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, ये आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा मैं कई सारे यहाँ सुन चुकी हूँ पता है। जब मैं सुनती हूँ ना मुझे इतना मतलब दुख होता है कि मैं कैसे रोक लूँ उन्हें, ऐसा लगता है क्या मैं कर लूँ उसके लिए। बोलते हैं ना कहीं अगर जाति जुलूम हो रहा है, कहीं कुछ होता है गलत हो रहा है तो उसे अपने हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक पाते हो तो अपने अपने जबान से रोक के उसको रोक दो, मना करो कि मत करो। लेकिन अगर कहीं अगर जबान भी अगर हम नहीं बोल पा रहे तो अपने दिल में अफसोस करो। तो मैं सोची क्यों ना इस टॉपिक पे मैं बात कर लूँ आप सबसे, जितना हो सके। इंसान दिल से तो तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा लगता है अगर कोई मुसलमान बच्ची इस टाइप की हरकत करती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा हो जाता सुनने मिलता है तो बहुत दुख होता है। बहुत ही मतलब हर मुसलमान के लिए ना बहुत ख़राब बात है, अगर किसी एक के साथ भी होता तो ऐसा लगता सबको तकलीफ़ होती, उसका दर्द ना समझ सकते हैं, सबको ही समझ सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छा ही लगता है। तो कोशिश ये करें अपने बच्चों को ना दीनी तालीम दे, दुनिया के साथ साथ दिन की तालीम, दिन की समझ अपने बच्चों को जब देंगे ना तो उसे समझ होगी। और फिर भी ये एक एज ऐसा है ना कि इस एज में संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश ये करें कि उसको ना समझाएं और अल्लाह से दुआ करें। अपने माँ बाप, माँ की दुआ ना बहुत लगती, तो माँ बाप तो मुझे लगता है कि हर पल दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह बच्चों का नसीब अच्छा करे और बच्चों को अच्छा रखे, सब चीज़ों से जो भी है गंदगी बाहर जो भी है जो भी है उस चीज़ से बचाए अल्लाह पाक अपनी हफ्ज़ुमान में। और आज के डेट में अभी का जो टाइम चल रहा फितने का दौर में अपना ईमान को संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल है, तो कोशिश ये करें कि अपना ईमान की हिफाजत करें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से अगर हम अच्छा गुमान रखते हैं, अच्छा दुआ करते हैं, अल्लाह से अच्छी उम्र रखते हैं, अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें ईमान सलामत रख, हमें बचा, तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर बचाते हैं। कि इंसान ये बंदा दुनिया में इससे गलती हो जा रही है लेकिन ये बचना चाह रहा है, तो अल्लाह पाक भी मदद करेंगे। अल्लाह इतने गफूर रहीम है, 70 माओं से जो अफजल हैं वो अपना दिलों की हालत जानते हैं। अगर हमारा दिल और नीयत सही है ना तो अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। तो बस अपने बच्चों को दिन समझ दें और इसकी समझना पहले से देना चालू कर दें। ये ना कि एकदम 17-18 साल की 16 साल की हो जाए और जब वो बाहर बातें करने लगे तो कुछ हो जाए तब हम समझाएं, तो नहीं समझेंगी, नहीं समझेंगी, वो बगावत कर लेंगी अपने माँ बाप पैदा के माँ बाप को छोड़ के। मैं ऐसे बच्चों को देखी हूँ चल जाते हुए और छोड़ देती हैं, तो ये एक माँ के लिए ना बहुत दर्दनाक होता है। मतलब वो जीते जिंदगी ना ऐसा लगता है कि मोह मर गई, ख़त्म हो गई है, कितनी तकलीफ़ होती है कि औलाद हमारी बच्ची ऐसा कर ले तो कितनी ख़राब मतलब कितना बुरा लगेगा। और यहाँ का माहौल भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह हिफाजत करें अपने बच्चों की, जाए तो कोशिश करती हूँ अपने बच्चों पर नज़र रखें, देखें उनकी दोस्ती यारी कैसा है क्या है नहीं है, तो ये सब चीज़ों पर थोड़ा कोशिश करें अपने हिसाब से बच्चों को हैंडल करने की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं बार बार बोलूँगी बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में, अभी के टाइम में बच्चों को संभालना लेके चलने। पहले का टाइम बहुत अलग था, पहले तो अदर कास्ट में भी अपने कास्ट में भी लड़कियां ना जिसको चाहती थी ना तो बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी अपने घर वालों को, और घर वाले करते भी नहीं थे, ऐसा था। लेकिन अभी मैं देखी हूँ 20 साल में ऐसा है कि एक गैर मुस्लिम लड़के से लड़कियाँ शादी कर लेती चल जाती हैं और ज़िंदगी गुजार रही हैं रह रही हैं, तो दुनिया तो चलो ठीक है गुजर भी जाएगी लेकिन ये नहीं समझ रही कि उसका आखिरत ख़राब हो जा रहा है। तो अल्लाह पाक ये नहीं बोले हैं ना कि अब गुनाह करो माफ़ कर देंगे, लेकिन ये गुनाह नहीं करो कि आप ईमान से खारिज हो जाओ और माफ़ कर देंगे। तो बस अल्लाह हिफाजत फरमाए न सारी बच्चों की। मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती बोलने पर आऊँ तो मैं बहुत कुछ बोलूँ, लेकिन क्या मतलब दुआ कर सकते, ज़्यादा बोलना कोई मतलब नहीं है। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए सारी बच्चों की। तो मुझे लगा कि चलो मैं इस टॉपिक पर मैं आज बात करती हूँ, कुछ करें पर ये ना करें, ये ना बहुत तकलीफ़ होती है। मैं सोचती हूँ उस माँ का दर्द कैसा लगता होगा जिसकी बच्चियाँ ऐसे कर लेती हैं, ये सब चक्कर में फंस जाती हैं। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, बस अल्लाह हिफाजत फरमाने वाले हैं, हम दुआ कर सकते हैं, दुआ से बहुत कुछ होता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है, तो हमारे हाथ में दुआ करना, कोशिश करना, कोशिश भी करना चाहिए। तो बचें, बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मैं सोची इस टॉपिक पर आप सबसे बातें कर लेती, तो आप सब अपनी राय जरूर देना कमेंट करके कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोली। हो सकता है मैं जितना भी सही बोलूँ शायद सामने और किसी को मेरी बात बुरी लगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा गलत बात ना करूँ, लेकिन फिर भी अगर सुनने वाले ना गलत मतलब निकाल देते हैं और उसको बोलने लगते हैं, उसका मतलब ही अलग करते हैं। कुछ लोग तो बिना देखे थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और पूरा आपके बारे में ऐसा लगता ना पूरी आपकी ना मतलब बायोडाटा जान लेते हैं और उसे जज कर लेते हैं। मतलब किसी को जज करना कितना आसान हो गया, जज करने का हक ना सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह जज कर सकता है किसी को, हम नहीं कर सकते किसी के बारे में जज कि कौन ऐसा है कौन वैसा है। किसी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान के हम उस पर जज नहीं कर सकते ना, अपना थोप नहीं सकते कि ये ऐसा वैसा। सबकी अपनी अपनी कहानी होती लाइफ की, कौन कैसा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा, सुन लो समझ लो, ठीक है नहीं समझ में आता तो भी ठीक है, लेकिन जज मत करो किसी को देख करके। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बैड कमेंट कर देते हैं, जज कर लेते हैं आपको आपकी स्टोरी देख करके, कुछ भी
कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, तो किसी को बिना सोचे समझे कुछ बोलने का हक आपको नहीं है। और जज करने का हक ना सिर्फ अल्लाह को है, खुदा को है, बाकी हम इंसान के अंदर नहीं है कि हम किसी को देख के इतने नहीं है कि हम किसी को जज कर सकते हैं। तो बस सब अच्छा है, सबके लिए दुआ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंसान, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हम जिस कोई कितना भी कैसा भी है, हम सबके लिए दुआ कर सकते हैं। तो बस अपना दिल और मन साफ रखें, सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बाकी ये चीज़ ऐसी ना कि बहुत तकलीफ़ देती हैं, और ये चीज़ें ना वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं, तो इस और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। पहले मैं कभी भी, साल पहले मैं कभी नहीं सुनती थी ऐसा, पापा को पता चल तो काट दे ही, ज़मीन में दफन कर दे, ऐसा था। लेकिन आजकल के बच्चों दिल से ना डर खौफ ख़त्म हो गया, और इसे मोहब्बत बोलते, इसे मोहब्बत नहीं बोलते, मोहब्बत ये नहीं है मालूम। एक्चुअली मोहब्बत कोई समझता ही नहीं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत वो है जो अल्लाह से की जाती है, जो बिना देखे महसूस किया जाता है। एक्चुअल में रियल मोहब्बत वही है, यह हर किसी को समझ में नहीं आता। और आजकल बच्चे लोग क्या समझ में आएगा, अभी जो 13-14-15 साल की एज में आया है तो उसे क्या समझ में आएगा, वो इसी को मोहब्बत समझ लेती हैं, जीना मरना साथ में, उसके लिए कुछ भी करना। मोहब्बत एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में इंसान मोहब्बत समझ लेना तो क्या बात है, और समझते समझते बहुत लेट हो जाती है, ज़िंदगी बहुत आगे नहीं। ये था मेरा आज का ब्लॉग, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर और भी बातें करूँगी आप सबसे। बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहें और अपनी राय भी कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा आप सब अगर कुछ बोलेंगे तो अच्छा, और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बार बार बोलूँगी इंशाल्लाह, जो नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें मेरे, क्योंकि आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की बहुत ही है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।